मेरा पति हर शनिवार को मुझे दुल्हन की तरह तैयार करता और बहुत सी छोटी ड्रेस पहनने के लिए देता। उस ड्रेस में मेरा सारा जिस्म दिखता था और फिर वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारी रात मेरे साथ एक के बाद एक मेरा। मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि शनिवार के दिन मेरा पति दोपहर को कहीं चला गया था। नई नई शादी हुई थी इसलिए मैं रोज अच्छे से तैयार हो जाती थी। आज भी मैंने एक खूबसूरत जोड़ा पहना था, तैयार भी हुई थी, लेकिन जब मेरा पति युग शाम को घर आया तो उसके हाथ में शॉपिंग बैग था। उसमें वह शॉपिंग बैग मेरे हाथ में थमाया और बोला कि इसमें तुम्हारे लिए ड्रेस है, इसे पहनकर तुम तैयार हो जाओ। मैंने हैरत से युग की तरफ देखा और कहा कि मैं तो तैयार ही हूँ। वह कहने लगा कि जो ड्रेस मैं अभी तुम्हारे लिए लाया हूँ उसे पहन लो और तैयार हो जाओ। मैं शॉपिंग बैग लेकर अपने कमरे में आ गई। जब मैं उस ड्रेस को देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह तो बहुत ज्यादा फैशनेबल, कीमती और छोटी ड्रेस थी। मैंने कहा, युग यह तो बहुत ज्यादा छोटी है। युग कहने लगे कि मेरे दोस्त के घर पार्टी है इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। इतनी कीमती और ऐसी ड्रेस लेने की युग को क्या जरूरत थी? मेरी शादी पर युग ने एक जोड़ी कपड़े भी नहीं दिए थे। कहते थे मेरे पास पैसे नहीं थी। और अब खैर मैंने ड्रेस पहन लिया। वैसे भी मैं दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उस छोटी ड्रेस में तो मेरे हुस्न के चार चांद लगा दिए थे। मैंने मेकअप टच करने के बाद अपने बालों का जूड़ा बनाना शुरू किया तो युग मेरे कमरे में आ गए। मेरे करीब आकर मुझे सर से पैर तक देखा, फिर कहने लगे कि बाकी सब तो ठीक है, अपने बाल खुले रहने दो और भी ज्यादा खूबसूरत लगोगी। युग की बात पर मैंने अपने बाल खुले छोड़ दिए। मैं बिल्कुल तैयार थी। मैंने बालों को कंघी किया और अलमारी से बड़ी सी चुन्नी निकालने लगी ताकि खुद को लपेट सकूं। यह देखकर युग ने मुझे फौरन से टोक दिया। कहने लगे कि क्या कर रही हो तुम, इतनी सुंदर सी ड्रेस का सारा लुक खराब हो जाएगा। मैंने कहा, युग मैं यूं तो बाहर नहीं जा सकती, आप खुद देखें ड्रेस काफी टाइट और छोटी सी है। युग कहने लगा कि मुझसे बहस मत करो, वैसे भी मेरा दोस्त अपनी गाड़ी और ड्राइवर भेज रहा है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ ही देर में युग के नंबर पर किसी की कॉल आई थी। युग कहने लगा, हाँ हम लोग तैयार हैं। फिर मुझसे कहने लगा कि चलो ड्राइवर आ गया है। युग एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता था, मेरा ताल्लुक भी ऐसे ही घरानों से था। मैं जानती थी कि मेरा पति ज्यादा पैसा नहीं कमाता है। युग के पास गाड़ी नहीं थी, एक पुरानी सी बाइक ही थी। घर भी छोटा था। शादी की रात ही उसने मुझसे कह दिया था कि उसकी तनख्वाह बस इतनी है कि महीना बाद में खत्म होगा और पैसे पहले। मैंने भी कोई एतराज नहीं किया था। शादी के उन दिनों मैंने भी युग से कोई भी फरमाइश नहीं की थी। मैं अकेले ही रहती थी, छोटा सा फ्लैट था। मैंने शादी के अगले ही दिन से किचन संभाल लिया था। युग मुझसे कहता था कि शादी पर बहुत खर्च हो गया है इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कपड़े भी नहीं खरीदे। इसलिए मुझे हैरत हुई थी कि जब युग की गुंजाइश नहीं थी तो इतनी कीमती ड्रेस खरीदने की क्या जरूरत थी, वह भी बस एक दावत पर जाने के लिए। लेकिन वह तो एक कीमती ड्रेस मेरे लिए लाए थे, कम से कम उसकी कीमत 20-25 हज़ार थी। क्या जरूरत थी इतना खर्च करने की? थोड़ी बाद युग के दोस्त का ड्राइवर आ चुका था। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए। वह गाड़ी खूबसूरत इलाके के बड़े से बंगले के सामने खड़ी हुई थी। पहुंचते ही फौरन चौकीदार ने दरवाजा खोला था। पार्किंग एरिया में उस वक्त चार गाड़ी पहले से मौजूद थी और पांचवी हमारी थी। साइड में बना बगीचा भी बहुत ज्यादा कीमती और खूबसूरत फूलों से सजाया हुआ था, लेकिन वहां पर इतनी लाइटिंग नहीं थी जैसे कि दावतों पर होती थी। युग मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर बंगले में ले गया और मेरी ड्रेस काफी टाइट थी और उस पर सितम यह था कि दुपट्टा भी नहीं था। जैसे ही अंदर गई तो
सिवाय मर्दों के कोई नजर नहीं आया। वहां कोई भी औरत मेरे अलावा नहीं थी। या देखकर मैं बुरी तरह से नर्वस हुई थी। या कैसी दावत थी जहां सारे मर्द थे, औरत नहीं। और सिर्फ मर्दों की दावत थी तो युग मुझे यहां लेकर क्यों आए थे? उन हट्टे कट्टे आदमियों को देखकर मैं बिल्कुल युग के साथ रही। मैंने कहा, युग, यहाँ तो कोई भी औरत नहीं है। वह कहने लगी कि यह सब शादीशुदा नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनकी बीवी कहाँ से आ सकती हैं। युग अपने दोस्तों से मिलवाने लगे। मुझे हैरत का झटका उस वक्त लगा जब युग ने मेरा इंट्रोडक्शन अपने दोस्तों से करवाया। वह हाथ मिलाने के बहाने मेरे सामने अपना हाथ बढ़ाने लगे। मैं यह देखकर पीछे हटी थी। और वह कौन सा तरीका था? मुझे युग के दोस्त कुछ अच्छे भी नहीं लग रहे थे। सब मुझे सर से पैर तक देख रहे थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मुझे अपने वजूद पर चींटियां रेंगती महसूस होने लगी थी। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबराने लगा था। मुझे इस कदर बेचैनी हो रही थी कि मैं फौरन उस घर से बाहर निकल जाऊँ। उस वक्त वहाँ 10 मर्द थे और 10ों के हाथ में कांच के गिलास में ब्राउन रंग का शरबत था। सबकी आंखें ना जाने किस जज्बे तहत गुलाबी हो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे नशे की हालत में हूँ। मैं बहुत घबराई हुई थी, इसलिए युग के पीछे जाकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, युग, मुझे यहाँ नहीं रुकना है, मुझे आप घर छोड़ाएं। वह कहने लगा, तुम्हें क्या हो गया है? क्या लड़कों की महफिल में नहीं जाती हैं लड़कियाँ? मुझे यह घबराने और डरने वाली लड़कियों से सख्त नफरत है। मुझे यह कूल मिजाज की लड़कियाँ पसंद हैं जो हर महफिल में जा सकें और इंजॉय कर सकें। इसलिए यह डरपोक लड़कियों की तरह एक्टिंग करना बंद करो। यह कहकर उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ खुद के पीछे से बगल में किया था। मैं तो युग के रवैया देखकर हैरान रह गई थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। इससे पहले मैं रो देती कि युग का एक दोस्त मेरी तरफ बढ़ा और कहने लगा, भाभी, आप क्यों परेशान हो रही हो? मेरी बीवी दूसरे शहर अपने मायके गई है और बाकी दोस्त कुंवारे हैं। एक दो साल रुक जाइए, इन सब की भी शादियाँ हो जाएंगी तो इन सब की भी बीवी आ जाएंगी। अब हमारी बीवियाँ नहीं हैं तो हम क्या करें? आपके लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया है, कहने लगा। आओ युग, ड्राइंग रूम में चलते हैं, खाना बिल्कुल रेडी है। मैं युग का हाथ जोर से पकड़े ड्राइंग रूम के टेबल तक पहुंची थी, जहां पर अलग अलग किस्म के खाने लगे हुए थे। और युग के साथ मैं टेबल पर बैठ गई। युग के बाकी दोस्त भी सामने की कुर्सी पर बैठ गए। उसके जिस दोस्त के यहाँ पार्टी थी, वह मेरी प्लेट में अलग अलग किस्म के खाने डाल रहे थे। कह रहा था कि भाभी, यह भी खा कर देखिए और यह भी खा कर देखिए। खाना वाकई बहुत ही लाजिज था और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। अजीब बात थी कि जैसे जैसे खाना खा रही थी, मेरी आंखें नींद में बंद होने लगी। खाते खाते ही मुझे लगा कि जैसे मैं यहीं पिसो जाऊंगा। मैं नशे वाली नज़रों से युग की तरफ देखी, जो मुझे एक के बजाय 4-5 नज़र आ रहा था। मैंने कहा, युग, अब घर चलो, मुझे नींद आ रही है। वह कहने लगा, हाँ चलो। यह कहकर जैसे ही मैं कुर्सी से खड़ी हुई, लड़खड़ाते हुए युग की बाहों में गिर गई थी। बस एक मिनट लगा मुझे अपना होश खोने में। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। बड़े मुश्किल से मैंने अपनी आंखें खोली थी। मैं अपने कमरे में मौजूद थी, अभी भी उस छोटी सी ड्रेस में थी जो मुझे अपने वजूद पर बुरी तरह से चुभ रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उठकर बैठने की कोशिश की। मुझे लगा कि जैसे मेरा वजूद मेरे साथ ना दे रहा हो। वह मेरे पूरे बदन में दर्द की टीस थी। पता नहीं क्यों मैं चूर चूर हो चुकी थी। मुझे अपने अंदर एक अजीब सी कमजोरी सी महसूस हो रही थी। मैंने देखा तो मेरा सर सारा जेवर उतरा हुआ था और हाथों में जहां मैं चूड़ियां पहनी थी वहां पर खरोच और जख्मों के निशान थे। यह देखकर मुझे हैरत हुई थी। मैं अभी ठीक से अपने होशो हवास में नहीं आई थी। जब युग बेझिझक होकर नाश्ता लेकर अंदर दाखिल हुआ, वह बहुत खुश लग रहा था। मुझसे कहने लगा, देखो, आज मैं तुम्हारे लिए आमलेट और ब्रेड नाश्तों में लेकर आया हूँ। मैंने कहा, पता नहीं क्यों मेरे जिस्म में बहुत दर्द है। मेरी बात पर फिक्रमंद होने की बजाय वह मुस्कुराने लगा और कहने लगा, तुम कल रात को बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, फिर मुझ पर बेहोश होकर गिर गई थी। इसलिए घर आते ही मेरी नीयत तुम पर ख़राब हो गई थी। काफ़ी अच्छे मूड में था, मेरी नज़र खुद ब खुद झुक गई थी। कहने लगा, तुम नाश्ता करो, मैं तुम्हारे लिए दर्द की दवा और गर्मा गर्म चाय लाता हूँ, फिर यह दर्द भी आधे घंटे में ठीक हो जाएगा। मुझे हैरत हो रही थी कि इतने दिनों में तो युग ने कभी मुझसे ऐसी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था।
कि मेरे पूरे वजूद पर जख्म थे। बहरहाल अगले रोज तक मैं काफ़ी ठीक हो गई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह सिलसिला रोज ही चलता रहेगा। अगले शनिवार फिर मुझे युग ने एक नई ड्रेस लाकर दी, कहने लगा तैयार हो जाओ, दोस्त के घर दावत पर जाना है। और फिर उस दोस्त के बंगले पर मुझे ले गया। इस बार तो उसके दोस्त मुझसे पहले से ज़्यादा बेझिझक होने लगे, कहने लगे भाभी आपके हुस्न के तो हम दीवाने हो गए हैं, युग तो बहुत खुश नसीब है कि आप जैसी बीबी मिली है। मुझे युग के दोस्तों के मुंह से इस तरह तारीफ बहुत बुरी लगी। मैंने गुस्से में उन्हें घूर कर देखा तो वह अजीब सी हंसी हंसने लगे। वो सोच चुकी थी कि घर जाते युग से कहूंगी कि आइंदा उसके घर नहीं जाऊंगी। मुझे आदमियों के इस किस्म की घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस बार भी मेरे साथ ही हुआ। जैसे ही मैंने खाना खाया मुझे नींद आने लगी, फिर मैं बेहोश हो गई। अगले दिन फिर मेरा जिस्म दर्द से चूर था, लेकिन मैंने एक बात नोटिस की थी कि युग बहुत खुश रहता था, घर पर फल भी लाने लगा था, पैसे बड़े खुले हाथ से खर्च कर रहा था। हालांकि उसकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा ना थी कि वह रोज रोज की आयासी कैसी हो रही थी। घर आते ही वह रोजाना अच्छे से होटल का खाना लाता, मुझसे कहता कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें किचन में खाना बनाने की, तुम्हारी खूबसूरत हुस्न फीका पड़ जाएगा। कभी कभी तो मुझे युग की बातें बड़ी अजीब लगती थी। मैंने कहा कि हर औरत घर का काम करती है, मुझे भी अच्छा लगता है, मैं आपके लिए खाना बनाऊँ और आप काम करो। वह कहने लगा कि नहीं, तुम बस अपने हुस्न का ख्याल रखा करो, इसे निखारा करो, खुद को सजाया संवारा करो। तुम नहीं जानती कि तुम्हारा हुस्न मेरे लिए कितना कीमती है। मेरा हाथ थामे हुए मुझसे मोहब्बत भरी बातें करने लगा, कहने लगा क्या तुम जानती हो तुम्हें पाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं। यह बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी कि क्योंकि हमारा रिश्ता तो एक रिश्ते कराने वाली आंटी के जरिए से हुआ था। मैंने तो शादी से पहले कभी युग को नहीं देखा था। मैंने कहा क्या मतलब, मेरी बात पर हंसने लगा, कहने लगा मैं तुम्हें एक दिन बाजार में देखा था और देखते ही तुम पर फिदा हो गया था, वहीं से मैंने तुम्हारा पीछा शुरू कर दिया। तुम्हारा घर देखा फिर मालूम हुआ कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रिश्ता देख रही है, यकीन करो। यह सुनकर तो मुझे बहुत डर लगा था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। कहने लगा एक बार तुम्हें तुम्हारे घर से बाहर एक रिश्ते वाली आंटी को निकलते देखा था, फिर मैंने उनसे कहा कि अगर यह मेरा रिश्ता तुमसे करवा दे तो मैं उसे अच्छी खासी रकम दूंगा। मेरी बात मान गई और यूं मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ हो गया। मैं तो युग की बातें सुनकर हैरत से आंखें फाड़ कर उसे देख रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति मुझसे पहले से मोहब्बत करता था, मेरे लिए उससे इतना सब कुछ किया। मेरे दिल में युग की और भी मोहब्बत किरदार बढ़ गई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि सच तो कुछ और ही था। इस शनिवार को जब युग ने फिर से कीमती ड्रेस लाकर दी तो मैंने कहा नहीं, मुझे आपके साथ किसी दोस्त के दावत पर नहीं जाना है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का अंदाज एकदम से बदल गए थे, मुस्कुराहट गायब हो गई थी, उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया था। कहने लगा क्या मतलब तुम्हारा, वह लोग इतनी चाह से तुम्हें बुलाते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं जाना है, ना जाने वहाँ कैसा खाना मुझे खिलाते हैं कि खाते ही मुझे नींद आ जाती है और सुबह मेरी हालत बहुत बुरी होती है। दो दिन मैं चलने फिरने में महरूम हो जाती हूँ और फिर वहाँ से पर सिर्फ आदमी होते हैं, मेरा वहाँ क्या काम। आपको जाना है, अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना है तो आप जाइए, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी। यह कहकर मैं अपनी बेड पर बैठ गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरा इनकार मुझे इतना महंगा पड़ सकता है। युग इतने गुस्से में मेरे पास आया, मेरा बाजू पकड़ कर बुरी तरह दबोच लिया, कहने लगा अब तक तुमने मेरी मोहब्बत देखी है, बेहतर यही है कि मेरी मोहब्बत ही देखो, तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए। अगर तुमने मेरी किसी बात से भी इनकार किया तो तुम नहीं जानती कि मैं गुस्से में कितना पागल इंसान हूँ। वह कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जो मैंने उससे कही थी, लेकिन युग का गुस्सा तो यूं था कि जैसे वाकई मुझे जान से मार डालेगा। अपनी लाल आंखों से वह मेरी आंखों में देख बड़े गुस्से से कह रहा था। मेरा दिल तो अपने पति का यह रूप देखकर कांप गया था। मैंने फिर कोई ख्यालात नहीं की और वहाँ चली गई, लेकिन मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। ना जाने क्यों टेबल पर मुझे स्वादिष्ट खाने भी आज अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि वह मुझे
बेहोश कर देते थे। मैं बहुत कम खाने अपने प्लेट में डाली थी और थोड़ा थोड़ा करके खा रही थी, लेकिन जैसे ही यू के दोस्त की नज़र मुझ पर पड़ी कहने लगा, भाभी क्या बात है, आप खाना ठीक से नहीं खा रही हो। मैंने कहा मुझे भूख नहीं है, मेरा यह कहना था कि उसने यह अजीब तरह का इशारा यू को किया था। यह देख कर मेरे होश गुम हो गए थे। यू खाने में मेरी प्लेट भर दी थी, कहने लगा पूरा खाना खत्म करो, वह घूरती हुई नज़रों से मुझसे कह रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से वह खाना ख़त्म किया था और खाते मेरी हालत ख़राब हो गई थी और अब तो मुझे यू पर भी शक होने लगा था। अगले शनिवार आने से पहले मैंने तबीयत खराब का बहाना किया, मायके चली आई। एक दिन मैं अपनी छोटी बहन के साथ शॉपिंग पर गई, वहाँ मेरी मुलाकात यू के 5 दोस्तों में से एक के साथ हो गई। वहाँ बातों के दौरान बार बार मेरी बहन को देख रहा था, कहने लगा भाभी इस बार हमारे घर आइएगा तो अपनी बहन को भी जरूर साथ लाइएगा, यह भी आपकी तरह बड़ी खूबसूरत है। मुझे उस आदमी की बात बहुत बुरी लगी थी, मेरी बहन भी उसे घूर कर देखने लगी थी। मैंने कहा आपको तमीज नहीं है बात करने की, मेरा लिहाजा तेज हो गया था। आसपास गुजरने वाले लोग भी इकट्ठा हो गए थे। यह देखकर उस आदमी को भी गुस्सा आ गया, कहने लगा तमीज का मतलब पता है तुझे, हम औरत देखकर तमीज करते हैं और तू इस काबिल नहीं कि तेरी इज्जत और तमीज की जाए। मैंने कहा कि जुबान संभाल कर बात करो, वह कहने लगा क्यों सच बात चुभ रहा है तुम्हें, तुम तो 2 टके की औरत हो और मुझसे तमीज की बात कर रही हो। यह सुनकर मुझे उस पर इतना गुस्सा आया कि मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। उस थप्पड़ की गूंज जिसने सुनी वह तमाम लोग वहां खड़े हो गए। कुछ लोग कहने लगे कि अगर यह शख्स ने आपके साथ बदतमीजी की है तो हम इसकी तबीयत अभी ठीक कर देते हैं। मेरा जी तो यही चाहा कि उसका मुंह तुड़वा दूं। उस आदमी को औरत से बात करने की तमीज नहीं है। मैंने सोचा कि घर जाकर युग को इसकी हरकतें बताऊंगी, वह लोग कितने बदतमीज हैं और हर रात मुझे ज़बरदस्ती उनके घर ले जाता है। उनकी नज़र में तो उसकी बहन बेटी की इज्जत ही नहीं है। इससे पहले कि वह खड़े नौजवान उस आदमी की अच्छी तरह खबर लेते, वह कहने लगा यह बाजारू औरत है जिसमें फरोश का काम करती है और मैं इसका ग्राहक हूँ, बस यहाँ पर तमाशा बना रही है। यह सुनना था कि मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा कि यह बकवास कर रहा है। वह आदमी कहने लगा कि तुम शनिवार को क्या करने हमारे बंगले पर आती हो, यह भी तब तुम जानती हो कि वहाँ तुम्हारे अलावा कोई औरत नहीं होती है। उसके बाद जो बात उस आदमी ने मुझसे कही जिसे सुनकर मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था, कहने लगा अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो इस बार आना शनिवार को हमारे घर, तुम्हें मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा, तुम्हें तुम्हारी सही औकात दिखाऊंगा कि तुम क्या हो। मेरी बहन मेरी शक्ल देख रही थी और उसकी बात पर यूं पत्थर बन चुकी थी। बहुत से लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देखते हुए वहां से चले गए। वह आदमी गुस्से से भरा पड़ा था, मुझे घूरता हुआ वहां से चला गया। मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे खींचते हुए बाजार से बाहर ले आए, कहने लगी दीदी वह आदमी क्या बकवास कर रहा था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मेरा तो दिमाग चकरा कर रह गया। मेरा जी इतना घबरा रहा था कि जैसे अभी मेरे दिल को कुछ हो जाएगा, वह फट जाएगा। मुझ पर अजीब सी बेहोशी होने लगी थी। मेरी बहन मेरी हालत देखकर मुझे घर ले आई, लेकिन वहाँ भी चैन नहीं आया। मैं फौरन से अपने घर चली आई। घर आई तो युग का मूड बहुत खराब था, कहने लगा तुम्हें मायके जाना है तो तुम वर्किंग डे में जाना, और एक शनिवार रविवार को तो छुट्टी मिलती है मुझे, और तुम वहाँ जाकर मेरा मूड खराब कर देती हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था क्योंकि मैं कुछ भी कहती तो वह मुझ पर गुस्सा करता। इस बार जब वह मुझे अपने दोस्तों के घर ले गया तो उस वक्त उसका वह दोस्त वहाँ मौजूद नहीं था जिससे मेरी मुलाकात बाजार में हुई थी। जैसे मैंने आधा खाना खाया मैं फौरन वॉशरूम में चली गई। मुझे वह खाना अपने अंदर हजम नहीं करना था, इसलिए मैंने हलक में उंगली डाल डाल कर उल्टी की। जो कुछ खाया था सब कुछ बाहर आ चुका, इसलिए मुझ पर नशे का असर नहीं हुआ था। मैं बाहर आई और बेहोश होने का नाटक करने लगी और युग ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया, कमरे में लाकर मुझे बेड पर लेटा दिया। वह अभी कमरे में आया ही था कि उसके दोस्त भी कमरे में आ गए। युग कहने लगा कि इस बार मैं डबल कीमत लूंगा, जो हरकत तुम लोगों ने रात भर मेरी बीबी के साथ करते हो उससे वह बीमार रहने लगी है। तुम लोगों के दिए पैसे आधे तो उसकी दवाई और डॉक्टर के खर्च में चले जाते हैं, मुझे क्या फायदा है। उसके दोस्त कहने लगे कि हमें मंजूर है, तुम इसकी जितनी चाहे कीमत ले लो, मेरा
जी चाहा जमीन फटे और उसमें समा जाओ। मेरा ही पति मेरी इज्जत का सौदागर है। पति तो बीबी की रक्षक होता है, गंदी नज़र से बचाने के लिए हर रिश्ते को भूल जाता है। यह कैसा पति था जो मेरा ही सौदा कर रहा था। इससे पहले कि वह लोग मेरे साथ कुछ भी गलत करते, पुलिस की गाड़ी का हॉर्न बंगले के बाहर बजने लगा। यह सुनकर सब चकरा गए थे। मैं यहाँ आने से पहले पुलिस की सारी इन्फॉर्मेंस दे चुकी थी। जब तक पुलिस अंदर आती, मैं उठकर बैठ गई थी। मुझे उठकर बैठते ही देखकर युग और बाकी आदमी के रंगत उड़ गए। मैंने अपने पति को गिरफ्तार करवा दिया था क्योंकि उसे खूबसूरत लड़की चाहिए थे जिससे वह धंधा करवा कर पैसे कमा सके। युग जेल में बंद था और उसी दौरान मैंने तलाक का पेपर जेल में भिजवा दिया और मेरा तलाक भी हो गया। लेकिन मेरे माँ बाप से एक शिकायत थी। मेरा रिश्ता तय करने से पहले उन्होंने यह भी तो देखा कि लड़का अकेला है, मुझ पर घर की जिम्मेदारियाँ नहीं होंगी, सास ससुर के ताने नहीं होंगे, लेकिन यह नहीं देखा कि वह करता क्या है। अपनी बेटियों की शादी करने से पहले अच्छी तरह से मालूम कर लिया करें कि कहीं युग जैसा आदमी उनकी ज़िंदगी में शामिल ना हो जाए। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।